Hi guys, welcome or welcome back to my channel ख्वाब घर. I am Gunjan. Hope you all are doing well. मैं काफ़ी दिनों के बाद आप सबके साथ एक लॉन्ग वीडियो शेयर कर रही हूँ और आज का जो वीडियो है ना वो मेरा मॉर्निंग का जो रूटीन होता है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ. तो ना सबसे पहले मैं आती हूँ किचन में और आकर के किचन की जो बालकनी है ना उसका डोर ओपन कर देती हूँ. बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती है. आजकल तो वैसे भी थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है तो बड़ा अच्छा लगता है. और आपको पता है सुबह के टाइम इतनी हड़बड़ी होती है ना कि बिकॉज रोहित का टिफ़िन बनाना, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना, तो बहुत बहुत हड़बड़ी मची होती है सुबह के टाइम. तो सुबह के टाइम तो बिल्कुल किसी और चीज़ के लिए टाइम ही नहीं मिलता है कि खुद को थोड़ा सा टाइम दे दूँ. तो बस अभी मैं यहाँ पर फटाफट से रोहित का लंच रेडी करूँगी एंड उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी. और ये सब करने के बाद थोड़ा सा टाइम मैं अपने आप को देती हूँ. बट सबसे पहले हम चलते हैं और एग को ना बॉईल करने रख देते हैं बिकॉज रोहित सुबह एग खा के जाते हैं. अब मौसम थोड़ा ठंडा होने लगा है तो हम दोनों ही हमारे ब्रेकफास्ट में जो बॉयल एग है उसको इंक्लूड करते हैं या ऑमलेट खा लेते हैं कभी कभी. तो आज तो मैं एग बॉयल करने वाली हूँ. और आपको बताया ये वाला जो मैंने ट्रे मंगाया है ना इसमें कुछ कुछ एग्स बहुत गंदे आए हैं, पता नहीं क्यों बट काफ़ी गंदे हैं. तो मैं क्या करती हूँ ना पहले एग्स को धो लेती हूँ और फिर उसे बॉईल करने रखती हूँ. तो देखिए यहाँ मैंने पानी में डाल दिया था और अभी डाला था मतलब सुबह थोड़ी देर पहले. और अब मैं इसको अच्छे से वॉश करने के बाद बॉईल करूँगी. एग बॉईल होने के बाद मैं टिफ़िन बनाऊँगी बिकॉज आज उन्हें नाश्ता नहीं करना था तो उन्होंने कहा था मैं सिर्फ बॉयल एग खाऊंगा और दूध पीऊंगा. तो बस मैं वही करना है तो ब्रेकफास्ट के लिए मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है आज. तो यहाँ मैं टिफ़िन के लिए तैयारी करूँगी. तो बस यहाँ पे आटा कुछ कल का बच गया था तो उसी की पूड़ियाँ बना करके मैं उन्हें दे दूँगी बिकॉज उन्हें आज आलू टमाटर की सब्ज़ी खाना था और पूड़ी, तो मैं वही बनाऊँगी यहाँ. और ऑफ़ कैमरा मैंने सब्ज़ी वगैरह सब प्रिपेयर कर लिया था बिकॉज सब कुछ सुबह सुबह कैमरे में रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम लगता है. तो अभी मैं फटाफट से जितना रिकॉर्ड कर पाई हूँ वो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ. जब तक यहाँ तेल गरम हो रहा है मैं पूड़ियाँ बेल के रख लेती हूँ ताकि तेल गरम होते ही एक साथ सारी पूड़ियाँ तल लूँगी फटाफट से. अब तो ना मौसम ठंडा होने लगा है तो अब तो बड़ा ही अच्छा अच्छा ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम आ गया है. आलू पराठे, गोभी पराठे और इस तरीके के ब्रेकफास्ट मुझे ठंडी में ना बहुत अच्छा लगता है खाना. आप में से किस किस को ठंडी में ऐसे पराठे खाना बहुत पसंद है मुझे बताइएगा कमेंट करके. मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और अब मेरे यहाँ पे ना ब्रेकफास्ट में ये सब चीज़ें ज़्यादा बनने वाली है. सुबह के टाइम इतने सारे काम होते हैं ना तो मैं क्या करती हूँ टिफ़िन के लिए रात को ही प्रिपरेशन करके रखती हूँ. लाइक सब्जी कट करके रख देती हूँ, आटा लगा के रख देती हूँ और ब्रेकफास्ट में जो भी मुझे बनाना है या मुझे सैंडविच बनाना है तो मैं उसके लिए भी वेजिटेबल्स कट करके रख देती हूँ. तो मैं मोस्टली आधी प्रिपरेशन रात को ही करके रखती हूँ और सुबह ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए. अदरवाइज़ सुबह ही सब कुछ करने बैठेंगे तो वो बहुत लेट हो जाएगा बिकॉज़ रोहित 9:30 बजे तक निकल जाते हैं ऑफ़िस के लिए तो मैं नहीं कर पाती हूँ, इतनी जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है. तो बस मैं रात को ही प्रिपेयर करके रखती हूँ ऑलमोस्ट चीज़ें. यहाँ पे देखिए पूड़ियाँ मैंने तल ली हैं. पूड़ियाँ एक बार बेल के रख लो ना और तेल गरम अच्छे से हो जाए तो फिर फटाफट से बन जाती हैं, फिर ज़्यादा टाइम लगता नहीं है पूड़ियाँ बनाने में. तो यहाँ पर आज रोहित को पूड़ी ही खानी थी और आलू टमाटर की सब्ज़ी खानी थी तो उनकी डिमांड पर ही मैंने उनका लंच बनाया है. अभी आटा बच गया है तो वो मेरे दिन में लंच के काम आ जाएगा. मैं अपना लंच भी मॉर्निंग में ही प्रिपेयर कर लेती हूँ जब रोहित के लिए बनाती हूँ तभी. तो अभी आटा रख दिया है और जब भूख लगेगी दोपहर में तो पूड़ियाँ गरम गरम मैं भी अपने लिए तल लूँगी. सब्ज़ी तो एक साथ ही बना लिया है मैंने
और बस यहाँ पर एग बॉईल करने रख दिया था, तो ऑलमोस्ट एग जो है वो बॉईल हो गए हैं। अभी आज रोहित को दूध पीना था, वैसे भी रोहित चाय बहुत कम पीते हैं, तो आज उन्हें दूध पीना था, तो दूध वो बॉर्नविटा के साथ लेना बहुत पसंद करते हैं। तो बस यहाँ मैं उनके लिए दूध गर्म कर रही हूँ और दूध, और आज बॉयल एग खाएंगे। उनका ब्रेकफास्ट आज यही है, आज उन्हें यही खाना था ब्रेकफास्ट में। तो बस ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट रोहित का रेडी है, अब बस रोहित पूजा कर लें, उसके बाद उन्हें मैं ब्रेकफास्ट देती हूँ। मैं यहाँ रोहित के टिफ़िन के लिए सैलेड कट कर रही थी, खीरा प्याज ये सारी चीज़ें कट करके टिफ़िन में रख रही हूँ। अभी एग बॉईल हो गए हैं, तो बस अब एग कट करके इसमें काली मिर्ची और थोड़ा सा नमक डाल के रेडी है रोहित का ब्रेकफास्ट। अभी यहाँ टिफ़िन के लिए रायता रेडी कर रही हूँ, क्योंकि आलू टमाटर की सब्ज़ी और पूड़ी के साथ रायता अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे दही ले लिया है मैंने, दही को अच्छे से फेंट लूँगी। फेंटने के बाद दही में थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। यहाँ रायता में मैंने बूंदी डाल दिया है और इसके बाद मैं नमक, थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी। और बूंदी जब तक रोहित खाना खाएंगे ना, लंच करेंगे, तब तक बूंदी अच्छे से सेट हो चुकी होगी दही में, तो इसीलिए मैंने थोड़ा पानी भी ज़्यादा डाला है, बिकॉज़ बूंदी थोड़ा पानी सोख लेती है। और यहाँ पे देखिए रोहित पूजा कर लिए हैं और अब वो ब्रेकफास्ट करेंगे, तो बस उन्हें मैं यहाँ ब्रेकफास्ट सर्व करती हूँ। रोहित पूजा सुबह करके ही ऑफिस जाते हैं, बिना पूजा करे वो ऑफिस नहीं जाते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं, पूजा हो चुकी है हमारे घर में मॉर्निंग की और अब रोहित ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तब तक जो और थोड़ी बहुत चीज़ें टिफ़िन में मुझे रखनी है वो सारी चीज़ें मैं टिफ़िन में रख दूँगी, और इसके बाद टिफ़िन रेडी है और रोहित भी ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जाने के लिए रेडी हैं। यहाँ रोहित वेट कर रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें मुझे रखना रह गया था, फ्रूट्स कट करना आज भूल गई थी तो वही सब कट कर रही थी। और बस यहाँ हो गया टिफ़िन रेडी और बॉटल पानी की, यहाँ पे रोहित अपने ऑफिस जा रहे हैं और अब शाम तक का इंतज़ार कि रोहित कब घर वापस आएंगे, कितने बजे आएंगे, बिकॉज़ इनके जाने का टाइम तो है बट ऑफिस से आने का कोई टाइम नहीं है। कई बार बहुत लेट हो जाता है, कई बार जल्दी भी आ जाते हैं, तो बस इसके बाद से तो पूरा दिन मेरा इंतज़ार में ही जाता है कि जल्दी जल्दी से रोहित ऑफिस फिनिश करके घर आ जाए। तो बस यहाँ देखिए मैं खड़ी हूँ कि लिफ्ट आ जाए, रोहित जाए, उसके बाद मैं अंदर आऊँगी। तो अभी लिफ्ट आ गई थी, रोहित निकल गए हैं ऑफिस के लिए और अब इसके बाद मैं किचन में जाऊँगी। किचन में जो मेस हो रखा है सुबह सुबह का वो सब क्लीन करूँगी। देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा फैल चुका है किचन, तो सुबह ऐसे ही रहता है और आज तो थोड़ा ज़्यादा ही फैला है, बिकॉज़ कल हमारे फ्रेंड आए हुए थे तो उनकी छोटी सी बेटी है 2-2.5 साल की, तो उसको ना ये वाला फर्स्ट वाला जो ड्रॉअर है, एक्चुअली फर्स्ट नहीं, उसको किचन के जितने भी ड्रॉअर है और जो भी बर्तन है ना वो सब कुछ किचन से बाहर आ जाते हैं, तो बाकी सब तो ठीक है चलता है, बट यहाँ वाले ड्रॉअर में ना कांच की बॉटलें रखी हुई हैं, सिजर्स हैं, नाइफ है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे उसे चोट लग सकती है, तो वो
सारी चीज़ें मैं ना ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ प्लेटफॉर्म पे, जहाँ उसका हाथ ना जाए। और ये वाला एक जो ड्रॉर है वो मैं पूरा खाली कर देती हूँ ताकि उसको चोट ना आए। तो बस अभी इसी चक्कर में ये पूरा मैस हो रखा था किचन, तो अभी मैं जो चीज़ें जहाँ की थी उसे वहाँ सेट कर रही हूँ। तो अभी ये सारे काम करते करते पहले ये सारे काम निपटा लूँगी एक्चुअली, और फिर बैठ के आराम से ना गर्म पानी पीऊँगी, क्योंकि सुबह गर्म पानी पीने का टाइम नहीं मिला। तो अभी गर्म पानी पीऊँगी, मैं खाली पेट गर्म पानी पीती हूँ, उसके बाद बाकी के काम करती हूँ। तो बस यहाँ पर किचन का जो ये ड्रॉर है वो सेट हो गया है अच्छे से, और अब मैं ना यहाँ पे बैठ के आराम से एक ग्लास पानी पीऊँगी, गर्म पानी पीऊँगी, और थोड़ी देर आराम से बैठूँगी, मोबाइल में जो भी चेक करना है, मैसेजेस का रिप्लाई, मेल्स, वो सब कुछ देखूँगी करूँगी, और इसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी, और उसके बाद मेरे आज के दिन के जो काम है वो सब शुरू करूँगी। बट अभी यहाँ थोड़ी देर मैं बैठ के आराम से रिलैक्स करती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ। सो आज का जो मॉर्निंग रूटीन था वो ये था, मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। इसके बाद का जो भी काम होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा।